हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एडिटर प्लस पी की तरफ से कुछ नए अपडेट निकल के आ रहे हैं, कुछ नए नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं आपके सामने, लेकर आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट। तो वहीं देखते हैं क्या अपडेट कर दी गई है। उससे पहले वीडियो पर नए हैं अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हमेशा अपडेट मिल रही है। तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आज 5 अगस्त को अपडेट किया गया है, एंसर की जारी कर दिया गया है। 26, 29, 30, 31 जुलाई को जो पेपर लिए गए थे 2020 की वैकेंसियों के बारे में बात की जा रही है, उन सभी के आंसर की जारी कर दिए गए हैं। इसका एक नोटिफिकेशन भी निकाला गया है, उसे भी देख लेते हैं। साथ ही साथ कुछ और नोटिफिकेशन भी आए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 26, साथ ही साथ 29, 30, 31 को पेपर लिए गए थे। कौन कौन से पोस्ट कोड के आंसर किए आए हुए हैं? 88/20, 103/20, 102/20, 5/20, 24/20, 75/20, 24/20 का सेकंड शिफ्ट लिया गया था, 35/20, 36/20, 81/20, 84/20, 32/20, 77/20, 86/20 और यहाँ 28/20 और 74/20 के पेपर्स लिए गए थे, जिनके आंसर की जारी कर दिए गए हैं। जो बच्चे यहाँ पर अपना आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं और फ्री में ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, 5 अगस्त से लेकर 9 अगस्त के बीच में आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ अपना आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद आंसर की का लिंक एक्टिवेट को जो है डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। बात करते हैं और नोटिफिकेशन निकाली गई, उन्हें भी देख लेते हैं। नोटिफिकेशन निकाली गई है, 5 अगस्त का डेट लगा हुआ है। जूनियर टेलीफोन ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली गई थी 2020 में और यहाँ पे आ चुका है रिजल्ट। 10 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई थी 2020 में। 23 अप्रैल 2021 को ऑनलाइन प्री का पेपर लिया गया था और यहाँ पर 123 बच्चों ने 23 अप्रैल को पेपर में अपीयर किया। और यहाँ पर कट ऑफ के बारे में बात करें, 200 में से यूआर का 83.50, ओबीसी का 70.50, एससी का 63.25, एसटी में कोई बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए और ना ही ईडब्ल्यूएस में कोई बच्चे क्वालिफाई कर पाए, जो मतलब कम से कम जो स्कोर करने होते हैं वो भी यहाँ पर कोई बच्चे स्कोर नहीं कर पाए, तो यहाँ पर सीट खाली रह गई है। नोटिफिकेशन जारी की गई है। बात करते हैं कुछ और अपडेट के बारे में। जो बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं, 15 दिन का समय मिल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 1 टायर पर सिलेक्शन होने वाला था इस पोस्ट कोड में। 6 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। एज क्वालिफिकेशन 6 फरवरी 2020 से काउंट किया जाएगा, जो कि लास्ट डेट था 2020 की वैकेंसी का। यहाँ पे कुछ और अपडेट निकल के आ रही है, उन्हें भी देख लेते हैं।